रखना था अंधेरे में तो चांद दिखाया काहे, काहे को बनाया मिट्टिया, रोग लगाया काहे, तोड़ गए पैमाने ओ जानवे जानानवे जाने लगी है जानवे। मुझे बहुत अच्छी तरह से तुम्हारे रिएक्शन का अंदाजा था, इसीलिए मैंने तलाक के नोटिस की कॉपी बनवा के रखी थी, जो अभी कुछ देर पहले नजमा के हाथों तुम्हारे कमरे में रखवाई है। इसमें क्या है? ये वो कुछ फर्नीचर की डिजाइन है इसमें ना। अच्छा, मुझे भी दिखाओ। नहीं, अभी ये रफ ड्राफ्ट है, फाइनल होगा तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। दिखाओ ना जिब्रान, मुझे रफ ड्राफ्ट समझ में आता है। मैंने निम्रा तुमसे कहा है ना कि अभी नहीं। इब्राहिम ने मेरी एक बेटी का घर उजाड़ने की कोशिश की तो दूसरी का दामन दागदार किया। इसकी सजा तो दुनिया की कोई अदालत नहीं दे सकती, लेकिन अपने मरहूम चचा की जायदाद बेचकर जो फ्रॉड उसने किया, आप चाहते हैं एक माफी के बदले में मैं वो भी भूल जाऊं? नहीं भाई साहब। तुम थक गई होगी निम्रा, जाके आराम कर लो, मुझे कुछ काम करने है, कुछ डिजाइन है जो फाइनल करना है। नहीं नहीं, आई एम फाइन, मैं तुम्हारी हेल्प करूं? थैंक यू निम्रा, मुझे अपना काम खुद करने की आदत है। अल्लाह मैं क्या करूं, मैं निम्रा को इग्नोर करते करते थक चुका हूं। क्या मोहब्बत करने की इतनी बड़ी सजा होती है? जी बेगम साहब, किससे मिलना है आप? मोहिउद्दीन मिर्ज़ा साहब और उनकी नवासी से। वो सब लोग तो हॉस्पिटल में है, साहब जी को दिल का दौरा पड़ा है। किस अस्पताल में? डिफेंस में हॉस्पिटल। डॉक्टर कह रहा था
कल आपकी छुट्टी हो जाएगी। निम्रा आई थी रात को भी आई थी और फिर सुबह भी आई थी। वो तो जा नहीं रही थी, मैंने उसे जबरदस्ती घर भेजा था। उसकी नई नई शादी हुई ना, ससुराल वालों का भी कुछ हक है। आप परेशान क्यों होते हैं? मैं हूं ना आपके पास। एक बात बताऊं बुआ, आप झूठ बोलते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं क्यों बच गया? एक तो ये दिल भी धोखा दिए जा रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं मिर्जा साहब आप? मैं ठीक कह रहा हूँ, सरमत को आयशा से जुदा करके मैंने बुरा किया, बहुत बुरा किया। तब भी मुझे किसी की बद्दू आने लगी और हम निम्रा के साथ बुरा हो रहा है और फिर भी ये चले जा रहा है। निम्रा के साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है, वो माशाल्लाह अपने घर में बहुत खुश है। ये आप समझते हैं, जबरान की दादी ने खुद मुझसे कहा है कि वो सरमत का बदला लेंगी निम्रा से और बहुत जल्द जबरान तलाक दे देगा निम्रा को। क्या? रहमत बुआ, आप निम्रा की फाखरा मामा है ना? जी, मैं ही वो बदनसीब फाखरा जिसने अपनी हीरे जैसी बेटी की कदर नहीं की। लेकिन निम्रा कहाँ है और ऐसा क्या होने वाला है उसके साथ जिसने मिर्जा साहब को इस हाल तक पहुंचा दिया? मेरे घर से तो वो चली गई थी, लेकिन मेरे दिल को इत्मीनान था कि वो अपने सगे नाना के पास से खुश होगी। हाँ, खुश तो वो बहुत थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि मिर्जा साहब कह रहे थे कि जिब्रान उसे तलाक दे देगा? उसकी शादी कब हुई? आप लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं? असल में ये सब कुछ अचानक और बहुत सादगी से हुआ कि मिर्जा साहब निम्रा और जिब्रान की शादी करने के हक में नहीं थे। वो ये समझते थे कि ये शादी मोहब्बत की शादी नहीं है, इंतकाम की शादी। क्या मतलब? लेकिन निम्रा तो जिब्रान को पसंद करती थी और उसकी ख्वाहिश भी यही थी, क्यों मचान? हाँ बेटा, ऐसा ही था। नहीं, ऐसा नहीं था। निम्रा की वालदा आयशा एहसन से शादी से पहले जिस शख्स से मोहब्बत करती थी उनका नाम सरमत मुर्तजा था, जो जिब्रान के वालिद थे और जिन्हें मिर्जा साहब ने कत्ल करवा दिया था। और अब उसका बदला जिब्रान की दादी निम्रा की बर्बादी से हासिल करना चाहती है और यही गम मिर्जा साहब को खाया जा रहा है कि उनकी जुर्म की सज़ा उनकी नवासी को मिल रही है। मिर्जा साहब ने ऐसा क्यों किया? एक बेगुनाह शख्स को कत्ल करवा डाला? ये अमीर और गरीब की कहानी है। मिर्जा साहब अपनी बेटी के लिए अपने जैसा दामाद चाहते थे, जबकि आयशा को सरमत पसंद था। और फिर मोहब्बत और अन्ना की जंग में अन्ना जीत गई। तो क्या निम्रा की अपने नाना से इतनी लंबी नाराजगी की वजह ये थी? हाँ, यही वजह थी। लेकिन आयशा ने मरने से पहले उसको सब बता दिया था, लेकिन एक बात अभी भी उसको नहीं पता है, वो ये कि जिसको उन्होंने कत्ल किया था वो जिब्रान के वालिद थे। और अब अगर ये बात खुल गई ना तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा, बहुत बड़ा। या अल्लाह, खैर जाने मेरी बच्ची की किस्मत में क्या लिखा है। उसे कोई भी खुशी मुकम्मल नहीं होती। तो जिब्रान को बहुत पसंद करती थी, ये सब सह नहीं पाएगी। अम्मा परेशान मत हो, आप खुद ही तो कहती थी कि निम्रा ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो फिर उसके साथ बुरा कैसे हो सकता है? मैं
मैं निम्रा के साथ कभी बुरा नहीं होने दूंगी। अपने किए की तलाफी के लिए हर हद तक जाऊंगी मैं माँ। क्या करोगी तुम? मैं जिब्रान की दादी के पास जाऊंगी, उन्हें समझाऊंगी, उन्हें वास्ता दूंगी, जो हो सकेगा करूंगी। लेकिन मैं निम्रा का घर नहीं उजड़ने दूंगी अम्मा, उसका घर नहीं उजड़ने दूंगी। नजमा भी। जी दुल्हन बेगम। ड्राइवर से कहें कि गाड़ी निकाले, मैं मामा के साथ आउटिंग पे जा रही हूँ। जी। कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? मामा अपने कमरे में रह के बिल्कुल महदूद हो गई हैं। बाहर निकलेंगी, लोगों से मिलेंगी, नई चीजें देखेंगी तो बहुत बेहतर फील करने लगेंगी। मैंने पहले भी कहा था, अब फिर कह रही हूँ, अपनी हद में रहो। हमसे ज्यादा फरीदा का ख्याल तुम नहीं रख सकती। मैं ये बात जानती हूँ दादी, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि अगर कोई मुस्तकिल इनके साथ रहेगा तो ये बहुत बेहतर रिएक्ट करेंगी। नजमा, फरीदा को अंदर लेके जाओ। आई छोटी बेगम। मुझे निम्रा के साथ जाना है। मैं आपको लेके चलूंगी। दादी आप प्लीज परेशान ना हो, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने वादा किया है और मैं जिब्रान से भी तो इजाजत ले चुकी। चलो ना निम्रा, चलो। हाँ। देर हो रही है। चले 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 चले। जी दादी। जिब्रान, इस दफा तो तुमने हद ही कर दिए। अब क्या किया मैंने दादी? तुमने फरीदा को निम्रा के साथ अकेले जाने की इजाजत क्यों दी? अगर उसे दौरा पड़ गया तो उसे कौन संभालेगा? निम्रा मामा को लेकर बाहर गई है। हाँ, उसने कहा कि तुमने खुद उसे इजाजत दी है। जी दादी, कहा तो मैंने ही था। वाह, पहले बाप चला गया, अब माँ को भी मरवाना चाहते हो? वो फरीदा के साथ कुछ भी कर सकती है, क्या पता वो हम सबको मारने के लिए इस घर में आई हो। पहले फरीदा, फिर मैं और उसके बाद तुम। जब मैंने बचपन से तुम्हें हर बात बताई है तो उसके नाना ने भी तो उसे सब कुछ बताया होगा। दादी, अगर उसके नाना ने उसे कुछ बताया होता तो वो नाना से नफरत करती। देखिए, ज्यादती तो हमारे साथ हुई है ना। हमदर्दी हासिल करने के लिए सच को झूठ बना के भी पेश किया जा सकता है। पहले उसने तुम्हारा फरीदा का दिल जीतने की कोशिश की और अब अपनी मर्जी की बिसात बिछाने की कोशिश कर रही है। वरना खुद सोचो, जिस लड़की को शादी की पहली रात इग्नोर किया जाए वो अपने ससुराल में दिल लगा सकती है? अच्छा दादी, आप खामखा परेशान हो रही है, मैं निम्रा से बात करता हूँ। जो करना है वो करो, लेकिन फरीदा को घर वापस लेके आओ। जी। बेगम साहबा, वो निम्रा बीबी की अम्मी आई हैं। हाँ तो उससे कहो कि वो घर पर नहीं है। लेकिन वो आपसे मिलने आई हैं। मुझसे? जी आपसे। तो उन्हें बिठाओ, मैं आती हूँ। वालेकुम सलाम। बैठिए। अब बताइए, आप उसे क्यों मिलना चाहती थी? निम्रा की खुशियों के लिए। क्या मतलब? मतलब
आप क्यों ये चाहती हैं कि जिब्रान निमरा को तलाक दे दे? आपको कैसे ये पता चला? मैं निमरा के नाना से मिलने हॉस्पिटल गई थी, वहीं पता चला। जब आप ये जान गई हैं तो वजह भी जानती होंगी। निमरा के नाना ने मेरे कलेजे पे हाथ डाला है, उस शख्स को इतनी आसानी से बख्शूंगी नहीं। बड़ों के किए की सजा आप बच्चों को क्यों दे रही हैं? अगर निमरा का घर उजड़ेगा तो जिब्रान भी खुश नहीं रहेगा। जिब्रान खुश रहे या नहीं ये आपका मसला नहीं है। बेहतर है कि आप यहाँ से चली जाएं। कैसे मेरा मसला नहीं है? निमरा मेरी बेटी है। सगी बेटी तो नहीं? सगा सौतेला कुछ नहीं होता, रिश्ता सिर्फ मोहब्बत का होता है। उसने एक बेटी का फर्ज निभाया तो मैं भी उसकी माँ बनकर उसकी खुशियों की भीख मांगने आई। जब मैं आपके घर आई थी तो आपने निमरा पर असद के हवाले से कितने इल्जाम लगाए थे, और आज वो आपकी बेटी हो। मैं तो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार थी, मगर आपके सामने तो सारी हकीकत वाजे है। और फिर उसके नाना की सजा आप निमरा को क्यों दे रही हैं? असल से सूद बहुत प्यारा होता है। जब निमरा को तकलीफ होगी तो मुहियुद्दीन को भी तकलीफ पहुंचेगी। जो गुनाह उसने 23 साल पहले किया था उसका कफारा अदा किए बगैर कम से कम वो मर नहीं सकता। आप इतनी संगदिल मत बने। संगदिल तो मैं कई साल पहले बन चुकी थी, ये बात बार बार दोहराने का फायदा नहीं है। अब आप जाती हैं या मैं मुलाजमों को बुलाकर आपको बाहर का रास्ता दिखाऊं? वो फरीदा के साथ कुछ भी कर सकती है, क्या पता वो हम सबको मारने के लिए इस घर में आई हो। पहले फरीदा, फिर मैं, उसके बाद तुम। जब मैंने बचपन से तुम्हें हर बात बताई है तो उसकी नाना ने भी तो उसे सब कुछ बताया होगा। मामा, तुम पता है आज हमने बहुत मजा किया। हम लोग पार्क में भी गए, इसने बहुत अच्छा सा खाना खिलाया मुझे कहीं पर, और हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी थी, ऊंची ऊंची थी सब। आप कैसी हैं मामा? मैं तो ठीक हूँ। क्या मतलब कैसी? मामा को क्या होना है? You shut up. चले आप मेरे साथ। What's wrong, Jibran? I'll draw, can I?
क्यों झूठ बोला था दादी से तुमने? मैंने तुम्हें मामा को बाहर ले जाने के लिए कहा था। जबरान तुम्हें पता है ना कि अगर मैं दादी को बताती तो वो मुझे ले जाने ही ना देती मामा को। तुम्हें अंदाजा है कि इतनी देर तुमने कितना परेशान रखा है मुझे? अगर ये अपने ट्रांस में चली जाती, इन्हें कोई फिट पड़ जाता क्या करती? अकेले हैंडल करती तुम? ऊपर से तुम फोन नहीं उठा रही थी, ना ही वो ड्राइवर उठा रहा था। तुम लोगों ने इतनी देर मेरी जान सूली पे लटका के रखी है। I'm so sorry, जबरान। मैं तो सिर्फ तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी और मुझे लगा मामा को भी बाहर आके अच्छा लगेगा। देखो तो वो तो कितनी खुश है। Let me tell you one thing very clearly. इनकी खुशी कब गम में तब्दील हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। रास्ता या रास्ते में दिखाई देने वाली कोई भी चीज या पुरानी मेमोरी कुछ भी इनको ट्रिगर कर सकता है। ये अपने ट्रांस में जा सकते हैं। लेकिन तुम्हारा मसला पता क्या? तुम दुनिया को अपने एंगल से देखती हो, प्रैक्टिकल होके नहीं सोचती हो। तुम निम्रा, तुम मेरे पास आओ, ये देखो। तुम्हें पता है आज हमें बहुत मजा आया था और तुम निम्रा को इस तरह नहीं डांटो। मामा आप नहीं जानती, अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ ना करता। लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ जिब्रान। लेकिन मामा मैं रिस्क नहीं ले सकता ना। एनीवे मैं आप दोनों को अली के साथ घर भेज रहा हूँ और उस ड्राइवर की तो मैं अभी छुट्टी करता हूँ जिसके पास फोन उठाने का टाइम नहीं है। जिब्रान उस ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, वो तो बेचारा जब मैं और मामा वॉक करी थी अपना फोन की गाड़ी में रख के भूल गया था। यू डोंट हैव टू टेल मी हाउ टू हैंडल माय वर्कर्स, खुद कर लूंगा मैं। जल्दी से अली को कमरे में भेजो। अरे चल ड्राइंग करते हैं मामा। अच्छा मुझे बताएं आपने आज रास्ते में क्या देखा? जिब्रान मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। अच्छा I'm sorry। अच्छा चलें ड्राइंग करते हैं। मैं कल ऐसा करते हैं कि आज अली की शादी से वापसी पे तुम्हें कोई बहुत ही खास तोहफा मिलेगा। हेलो जिब्रान बेटा, मैं फाखरा बात कर रही हूँ। जी आंटी, आपका नंबर सेव्ड है, कहिए कैसे कॉल की? आज मैं एक बेटी की माँ बनकर बात कर रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम एक माँ की इल्तजा रद्द नहीं करोगे। आंटी आप ऐसी बात क्यों करी हैं? आप बड़ी हैं मेरी, बताइए। मैं बड़ी ज़रूर हूँ लेकिन चाहती हूँ माजी की सारी बातें भुला कर आज तुम बड़े बन जाओ। निम्रा को माफ कर दो बेटा, निम्रा का कोई कसूर नहीं है। निम्रा के नाना के किए की सजा निम्रा को क्यों दे रहे हो तुम? उसे तो बेटा अब सारी हकीकत पता भी नहीं है। यहां आने से पहले मैं तुम्हारी दादी से मिलने गई थी। आप दादी के पास गई थी? हाँ बेटा, उनसे मैं ये सारी बातें कहने गई थी लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। पर जिब्रान तुम उनके इंतकाम को अपनी जिद मत बनाओ। देखो बेटा, नफरत की दीवारें गिरा कर मोहब्बत को अंदर आने दो, वो मोहब्बत जो निम्रा को तुमसे है और तुम्हें निम्रा से। आप ये सब कैसे जानती हैं आंटी? निम्रा ने आपसे कुछ कहा? नहीं बेटा, माओं को कोई कुछ ना भी बताए फिर भी उन्हें सब पता चल जाता है। मुझे ये सब कुछ निम्रा के नाना ने बताया। तुम्हारी दादी ने उन्हें फोन करके कहा है कि
तुम बहुत जल्द निम्रा को तलाक दे दोगे। बस यही बात सुन के निम्रा के नाना को हार्ट अटैक हुआ था। 20 साल पहले जो नफरत तुम्हारे बाप और निम्रा की माँ को खा गई थी, वो तुम्हारे रिश्ते को भी खत्म कर देगी। बेटा, जो कसूर निम्रा ने किया ही नहीं, उसकी सजा उसे मत देना। तुम ठंडे दिल से सोचोगे ना, तो सही गलत सब समझ में आ जाएगा। जी आंटी। साल पहले जो नफरत तुम्हारे बाप और निम्रा की माँ को खत्म कर गई, वो तुम्हारे रिश्ते को भी खा जाएगी। ओ जानवे, मेरा जो कसूर निम्रा ने किया ही नहीं, उसकी सजा उसे मत देना। तुम ठंडे दिल से सोचोगे ना, तो सही गलत सब समझ में आ जाएगा। कौन था फाखरा? सुई गैस का बिल है अम्मा, कल बिजली का आया था, 2 दिन बाद फोन का आ जाएगा। अम्मा मैं सोच रही हूँ टेलीफोन कटवा देती हूँ, जिस किसी को फोन करना होगा मोबाइल में क्रेडिट डलवा कर कर लिया करेंगे। फिक्र ना करो बेटा, कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। अल्लाह एक दर बंद करता है ना, तो कई दर खोल देता है। मैं मोहसिन से बात करूं। नहीं अम्मा, ने हर मसले के लिए मोहसिन भाई के आगे हाथ फैलाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो हमारे हाथ भी तो उसी के बेटे ने काटे हैं ना, जाहिर है फिर वही जिम्मेदारी लेंगे। आपकी बात ठीक है अम्मा, लेकिन जब से इब्राहिम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है ना, हिना भाभी के साथ साथ मोहसिन भाई का रवैया भी कुछ खिंचा खिंचा सा है। तुम फिक्र ना करो, ला मुझे बिल दो, मैं मोहसिन को दूंगी, खुद बात करूंगी। मेरा नाश्ता ले आओ बेटा। जी अम्मा। I'm sorry. पहले तो डांट दे और फिर सॉरी कहते। निम्रा, उस वक्त तुम्हें डांटना बहुत जरूरी था, ताकि तुम्हें अंदाजा हो कि जिस चीज को तुम एडवेंचर समझ रही हो, वो ना सिर्फ मामा के लिए बल्कि हम सबके लिए बहुत नुकसानदेह है। तुम ये सब कुछ मुझे बता के भी तो कर सकती थी। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे एहसास है इस बात का। झगड़ा खत्म? ऐसे नहीं, पहले तुम्हें मुझे डिनर पर लेके जाना होगा, फिर सोचूंगी। आई डोंट माइंड, चलो। मजाक कर रही थी, तुम थक गए होगे ना, मुझे भी नींद आ रही है, कल चले। सोच लो, कल अली की शादी है। तो क्या हुआ, हम शादी से वापसी पे चले जाएंगे। परफेक्ट। अस्सलामुअलैकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, बुलाया था मैंने।
ये जमा करवा दो। अम्मा, आज से पहले तो आपने कभी मुझे बिल नहीं दिए जमा करवाने। आज से पहले मैं कभी पाई पाई की मोहताज भी नहीं हुई। एक ही घर का बस किराया आता है, अब उसमें क्या क्या पूरा हो। हजारों रुपए की तो मेरी दवाइयां आ जाती हैं, घर के छोटे मोटे खर्चे, अब कल को टेलीफोन का बिल आ जाएगा। तो आप परेशान क्यों हो रही हैं? मुझे दे दीजिएगा, वो भी मैं जमा करवा दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ अभी दफ्तर से। जी अम्मा, रुको। एहसन जब तक जिंदा रहा उसने तुम्हारे घर के लिए बहुत कुछ किया। जी अम्मा, मेरा ये हुक्म है कि जब तक तुम जिंदा रहोगे एहसन के घर की हर जिम्मेदारी तुम फंदा पेशानी से निभाओगे। जी। जो घाव तुम्हारा बेटा दे गया है उसे सिर्फ तुम ही भर सकते हो मोहसिन। तुम्हारे बेटे ने तुम्हें शर्मिंदा किया तो मेरे बेटे होकर मुझे शर्मिंदा मत होने देना, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, याद रखना। ऐसा नहीं होगा अम्मा, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मोहसिन। मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ, बस अभी आया ही था दफ्तर से। चल जा। ना पानी लाना भाई। ये लीजिए। खैरियत तो थी? अम्मा जान ने खास तौर पर फोन करके बुलाया क्यों? कुछ बिल थे उनके घर के, वो जमा करवाने थे, करवा के आए। लो जी, अब ये बिल भी हमारी ही जिम्मेदारी में शामिल हो गए। हिना, तुम्हारे बेटे ने जो हरकत की है उसके बाद तो कम से कम तुम्हें ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। अरे आपकी भावज ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने भी तो थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई, अब क्या वो मेरे बेटे की जान लेंगी? हजार बार तुम्हें कह चुका हूँ कि अगर तुम उसकी जगह होती तो क्या करती। सारी दुनिया के सामने शर्मिंदा करके रख दिया है उसने। मस्जिद में जाता हूं तो लोग उसके बारे में पूछते हैं, मोहल्ले में निकलता हूं तो लोग बहाने से पूछते हैं कि इब्राहिम कहां है। अब क्या जवाब दूं उन्हें? वो कह दिया करें कि मुल्क से बाहर गया है, मुझसे भी कोई पूछता है मैं यही कहती हूं। इसलिए कि तुम झूठ बोलती हो। मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मेरी नजरों में शर्मिंदा कर दिया उसने, गाड़ी बेच दी, बेवा चची के जेवरात चोरी करते हुए पकड़ा गया, कमबख्त चूहे की लत में ऐसा पड़ा कि रही सही कसर अपने मरहूम चचा की दुकानें बेच के पूरी कर दी। शर्म आनी चाहिए उसे, उसने जरा एहसास नहीं किया कि यतीम बच्चियां बेवा चची है। तुम होके फिर उसकी उसकी सफाइयां पेश करने की कोशिश करती है। पता नहीं किस सोबत में बैठता है। मैं तो क्या कर सकता हूं उसके लिए सिवाय दुआ के कि अल्लाह उसे नेकी की हिदायत दे। नजमा भी, नजमा भी, अली का गिफ्ट साजिश से क्या है, मेरी गाड़ी में रख दे। कहाँ रखे हैं साहब? स्टडी में पड़े हुए हैं, इसे अभी ले लें, उसे कहना है डिगी में रखे।
जी जबरान। ये लॉक कर दो। क्या मतलब, मैं कैसे करूँ ये? क्या मतलब कैसे, तो मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? कुछ काम बहुत मुश्किल होते हैं। हो क्या? By the way, बहुत अच्छी लग रही है आज। Thank you. तुम रोज ऐसे तैयार क्यों नहीं होती हो? क्योंकि रोज अली की शादी नहीं होती। तो मेरे लिए हो जाया करो। तुम्हारे लिए इतनी जल्दी थोड़ी ना तैयार हो, अभी तो बहुत कुछ चाहिए। मसलन क्या डियो? मेरा वेडिंग गिफ्ट, वो भी तो नहीं दिया तुमने मुझे। ओह राइट। ऐसा करते हैं कि आज अली की शादी से वापसी पे तुम्हें कोई बहुत ही खास तोहफा दूंगा। हाँ तो हेलो, दुल्हन बेगम ये कागजात जबरान बाबा की गाड़ी की डिग्गी में रखे थे, देख ले काम के तो नहीं है, वरना मैं स्टडी रूम में रखवा दूंगी। लाए मैं देख लेती हूँ, आप प्लीज मेरे रूम से जाके मेरा बैग ले आएंगे? जी। थैंक यू। ऐसा करते हैं कि आज अली की शादी से वापसी पे तुम्हें कोई बहुत ही खास तोहफा दूंगा। हाँ ठीक है, आई विल स्पीक टू यू लेटर। लाइक बाय। ओके बाय। निर्वचन स्पेशल गिफ्ट जो तुम अली की शादी से वापसी पर मुझे देना चाहते हो? नहीं निम्रात, ऐसा कुछ भी नहीं है बेबू, तुम्हारे लिए तो नहीं है। शट अप जिब्रान, मेरे लिए नहीं है तो किसके लिए? और इस पे जो डेट लिखी है वो हमारी शादी से भी पहले की है जिब्रान। तुम पहले से प्लान करके बैठे थे कि हमारी शादी के फौरन बाद मुझे तलाक दे दोगे? नहीं, तुम देखो ये फटे हुए हैं, इन्हें मैंने फाड़ा था। अगर मैंने तुम्हें डिवोर्स देनी होती निम्रा, तो मैंने फाड़ तक हाथ मत लगाओ मुझे। और इनको फाड़ने का सवाल तो बहुत बाद में आता है जिब्रान, हमने तो लव मैरिज की थी। ये पेपर्स बनवाने की नौबत क्यों आई जिब्रान? क्यों जिब्रान, बताओ मुझे। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूँ निम्रा? निम्रा ऐसा कुछ नहीं है, मेरा भरोसा करो, मेरा एतबार प्लीज फगा। तुम्हारा भरोसा ही किया था मैंने, तुम्हारा एतबार ही किया था जिब्रान, जो तुमने इन पेपर्स की शक्ल में मेरे मुंह पे दे मारा है। I hate you.
तो मैं एक्चुअली ये चाहता हूँ कि तुम इस तस्वीर को रोज देखो ताकि हमारा आने वाला बच्चा बिल्कुल मेरी तरह का हो। जब भी आप मेरे करीब आने की कोशिश करते हैं मेरी नजरों के सामने निमरा का चेहरा आ जाता है और मुझे आपकी गुर्बत से नफरत होने लगती है। मेरी रोज से जो बात तय है तुम्हें यहाँ से जाना है उस पर इतनी बेयकीन क्यों? दादी मुझे यहाँ से जाने को कहती तुम मुझे रोकने की कोशिश करते तमाशा बना दिया तुम लोगों ने मेरा। तलाक का फैसला वाकई ही दादी का था। वो चाहती थी कि मैं तुम्हें शादी की पहली रात ही तलाक दे दूं। मुझे तलाक दिलवा के उनको क्या फायदा होगा? मेरे बेटे को मरवाने वाला तुम्हारा नाना वो इतनी मिर्जा था।